मॉर्निंग बेटा। बेटा जैसे पहला लिंग बलो वाला टॉपिक करांगे ते लास्ट 5 मिनट दे विच ठीक है मिठन नीवी नानका लेक डिस्कस करांगे ते 5 ठीक है लास्ट 10 मिनट में लेक ते जेड़ा कल टेस्ट होया सी होगा ठीक है डिस्कस करांगे। पहला असि लिंग बलो करते हैं। लिंग बलो बेटा तुसी 6 7 तो ही करते आ रहे हो, 4 5 तो ही करते आ रहे हो ठीक है, पर वो सिंपल उसे तरीके ने तुम लिंग बलो आने ठीक है। हुण पूरे शब्द ऐसा भी आएंगे जिना दा ठीक है, पुलिंग दा स्त्री लिंग नहीं होएगा, स्त्री लिंग दा पुलिंग नहीं होएगा, भाव कि एज इट इज शब्द आएंगे ठीक है। एमसीक्यूज दे विच आएंगे, जिवें मैं तुहानू लास्ट विच लास्ट 5 मिनट में तुहानू असाइनमेंट करवावांगी लिंग बोलो तो किस तरह पेपर दे विच आने ठीक है। पहले असीं करदे आ ठीक है, जिहड़े सिलेबस च पेज है ठीक है वो असीं रीड करांगे ते लास्ट 5 मिनट दे विच दस्सांगे किस तरह पेपर दे विच आने हैं ठीक है। पेज नंबर है बेटा 104 ठीक है, पहले असीं पेज नंबर 104 करते हैं। लिंग बलो का मीनिंग की है ठीक है। लिंग बलो कहते जेड़े शब्द नर या मादा दे ठीक है, भाव की स्त्री लिंग या पुलिंग बारे है भी एमसीक्यू के आ सकता है ठीक है। लिंग बलो का मीनिंग की है जेड़े शब्द नर या मादा या स्त्री लिंग या पुलिंग दे बारे जानकारी दे। रिपीट कर रही है, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू ठीक है। जेड़े शब्द नर या मादा पुलिंग या स्त्री लिंग के बारे जानकारी देन असि उन्हूं की कहिंदे आ लिंग बलो कहिंदे। हाँ मीनिंग क्लियर है सब नू ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया। हुण असि लिंग बलो करांगे। फर्स्ट है 9104 पेज ते 103 पे PT1 दे विच ठीक है। भगत भगत दा भगतनी ठीक है, नाणे नू ब्याह लगा के उस्ताद उस्तादनी कुड़म कुड़मनी ठीक है। भगत भगतनी सेम वर्ड रिपीट होया। राग रागनी, सिख सिखनी, मास्टर मास्टरानी ठीक है। अखीर ते वैसे रारा है, तुम दस्या सी ना रूल्स है वी रारे दोबारा अपन नन्ना पाने आ, रारे राड़े ते नाड़े दोबारा अपन नन्ना पाने आ, पर जदों कोई मात्रा भी आ जाती है पर फिर भी अप, फिर अपन रूल्स लागू नहीं हुंदा, पता ना दस्या है ना बेटा ठीक है। इस करके नाड़ा पैना है मास्टरानी दे विच ठीक है। संत संतरी, राजपूत राजपूतानी, नाग नागनी, सप सपनी, रिच रिचनी, पंच पंचनी, जेठ जेठानी, शाह शाहनी, पील पीली, वकील वकीली, ऊंट ऊंटनी ठीक है, सरपंच सरपंचनी ठीक है। पूरे पहले आप रीड कर लिए, फिर तुम तो मैं असाइनमेंट करावांगी पेपर में किस ना आने हैं ठीक है, वो तुसी अपनी नोटबुक से जरूर नोट करना ठीक है। नेक्स्ट है सूर सूरनी, हुण दस्सिया ना जिवें जिहदे पिछे अखीर ते रारा पिया है या डाड़ा पिया है ठीक है, उहदे पिछे की माने आपां नन्ना ठीक है ना। हुण आपां नी वाले करांगे ठीक है, जिवें आ देखो सूर है सूरनी, नन्ना आएगा नाड़ा नहीं आएगा, तो लूज दस्सा ना बेटा ठीक है। सूबेदार सूबेदारनी, मोर मोरनी, जथेदार जथेदारनी, हौलदार हौलदारनी ठीक है, चोर चोरनी, फकीर फकीरनी, संत अशेर शेरनी, जादूगर जादूकरनी, सेवादार सेवादारनी, चौकीदार या चकोरदार चकोरदारनी, थानेदार थानेदारनी, बाजीगर बाजीगरनी, सरदार सरदारनी, ठेकेदार ठेकेदारनी, हीरन हीरनी, जेलदार जेलदारनी ठीक है। लगे फिर कन्ना लगा के ठीक है, उपदेशक उपदेशका, पाठक पाठका, हिंदी जब आप पाठिका लिखते हैं कई बार अभी तुम्हें कंफ्यूजन होती है, पाठका आना है कल्ला कन्ना ते बिंदी भी नहीं आनी ठीक है। साहेब साहेबा, साहेब दाबा की कर दिया मेम, साहेब मेम है ठीक है, साहेबदार मेम ठीक है, करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है गायक गायिका, अध्यापक अध्यापका, कल्ले करना ठीक है, निर्देशक निर्देशका, लेखक लेखका, पाठक नायक नायिका। नेक्स्ट है ठीक है कन्ना दे नाले में भी आ रही, सेठ सेठानी, तुरक तुरकानी, पंडित पंडतानी, हिंदू हिंदुआनी, जेठ जेठदा जेठानी,
ठीक है, जेठानी भी लिखे हो, गलत है, जेठानी वर्ड नहीं लिखना, बुक च लिखा हो कला जेठानी ही आना है, ठीक है, यही वाला आना है बेटा, दो वर्ड लिखे हैं सिर्फ, यही लिखना है तुसी, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर डॉक्टरानी, द्योर द्योरानी, द्योरानी का आप द्योर का द्योरानी भी लिख सकते, दरानी भी लिख सकते, फिर दोनों ठीक है, हम एमसीक्यू से भी आ सकता है द्योरानी दरानी उपरोकर दोनों, फिर दोनों ठीक ही होंगे, ठीक है ना, इस गल का जरूर ध्यान रखना। वही देखिए उपरोकर दोनों ठीक, ठीक है ना, अभी तो दस प्रोहर प्रोहतानी, मुगल मुगलानी, ठीक है, इसलिए बेटा जो एमसीक्यू से पेपर आना हो हर चीज का तुम्हें एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, प्रोपर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है री या की लगा के, चम चमड़ी, ठीक है, तुर चम द चमड़ी, संदूक संदूकड़ी, छाबा छाबड़ी, बाल बालड़ी, खंब खंबड़ी, पग सूत सूतड़ी, चम चमड़ी, ढोल ढोलकी, हाँ। नेक्स्ट है कन्ने ही था बिहारी, जिमें तोता तोती, चाचा चाची, घोड़ा घोड़ी, ठीक है, दादा दादी, मामा मामी, ठीक है, किला किली, आरा आरी, सुनियारा सुनियारी, नाना नानी, ठीक है, बोता बोती, बाटा बाटी, पोतरा पोतरी, ठीक है, जिमें ये नेम, ठीक है, कई बार आप जिमें नाम शब्द या प्रणाम शब्द से भी लागू होंगे, जिमें ओदा तो ओदी, केड़ा केड़ी, ठीक है, जेड़ा तो जेड़ी, तेरा तेरी, ठीक है, मेरा मेरी, ठीक है, इसी तरह कोड़ा कोड़ी, कोई विशेषण लगे ओद भी लागू होंगे, ज ना प्रणाव है तो वे भी ये लागू होंगे रूल, ठीक है, जिस तरह चौड़ा चौड़ी, काला काली, भैड़ा भैड़ी, सुत्ता सुती, खांदा खांदी, ठीक है। हुण नेक्स्ट आप करांगे जो आप करना है भी कई बार बेटा जिहड़े पुलिंग शब्दों का कोई स्त्री लिंग नहीं हुंदा, पुलिंग शब्दों का कोई स्त्री लिंग नहीं हुंदा या स्त्री लिंग शब्दों का कोई पुलिंग नहीं हुंदा, ठीक है, वह तुसीं ध्यान अपनी कापी में नोट करने है, तो किस तरह पता चलता है असीं फिर उहदा सेंटेंस बना के देखते हैं वी दा, ठीक है, उस वर्ड का आप सेंटेंस बना के देखते हैं कि जिहड़ा सेंटेंस है पुलिंग की फॉर्म के विच है जां सेंटेंस स्त्री लिंग की फॉर्म च पता लग रहा है, ठीक है, उस तो पता चलता है कि स्त्री लिंग नहीं बन रहा या यदा पुलिंग नहीं बन रहा, समझ आई भी नहीं गल के नहीं, ठीक है, कुछ शब्दों के बेटा सिर्फ पुलिंग दे पुलिंग ही रहते हैं वह स्त्री लिंग नहीं बन सकता, ठीक है, ऐ तो आपते आप पुलिंग भी बनते स्त्री लिंग भी बनते रहते, पर कुछ शब्द अजे होंगे है जेडे बेटा पुलिंग शब्दों का सिर्फ पुलिंग ही रहता है तो स्त्री लिंग शब्दों का स्त्री लिंग ही रहता है, वह कहे शब्द है मैं लिखवावगी ते उदा बेटा असीं सेंटेंस बना के भी देख सकते हैं कि जो सेंटेंस बन रहा है वह स्त्री लिंग दे विच बन रहा है या पुलिंग दे विच बन रहा है, फिर सानूं पता चल जाता है कि यह पुलिंग है या स्त्री लिंग है, पेपर जैसा भी आना है भी यह जो वर्ड है स्त्री लिंग है पुलिंग है या स्त्री लिंग ते पुलिंग दोनों है या कोई नहीं, समझ लगी, ये तुसीं जरूर नोट करना, ठीक है, पहला तो लाइन लिखो पंजाबी विच कुछ शब्दों के पंजाबी विच कई शब्दों के वे केवल पुलिंग ही होंदे हन, ठीक है, पंजाबी विच कई शब्दों के सिर्फ पुलिंग ही होंदे हन, ठीक है, स्त्री लिंग नहीं, पंजाबी विच कुछ शब्दों के सिर्फ पुलिंग ही होंगे हैं स्त्री लिंग नहीं, दोबारा लिखनी है बोर्ड, ठीक है, नहीं, ठीक है, इसे तरह कुछ शब्दों के सिर्फ स्त्री लिंग ही होंगे हैं पुलिंग नहीं, ठीक है, सेम वही, ठीक है, कुछ शब्दों के सिर्फ स्त्री लिंग ही होंगे हैं, ठीक है, ओदे पुलिंग नहीं हुंदे,
जिमें है पुलिंग शब्द लिखो बेटा जिन्होंने सिर्फ पुलिंग ही होंगे पुलिंग शब्द लिखो पुलिंग शब्द लिखो केड़े केड़े है जिन्होंने इसी लिखाई थी ठीक है अग फिर दस दी सेंटेंस बना के देखा ठीक है फिर सेंटेंस बनावे अग सूरज हाँ दस दी ना अग सूरज क्यों चन्न तेल मकान अहंकार शीशा अहंकार है पानी ठीक कर देखो अहंकार प्यार मिनी प्यार मिही क्रोध ठीक है मी थोड़ी इमोशनल है ठीक है हुण देखो इन्हां शब्दां दे पुलिंग किवें है उन्हां दा सेंटेंस बनाओ कोई भी जरा अग दा बनाओ कोई भी ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले बच्चे बेटा प्लीज हाँ अग हाँ तू बना अग बिच घ्यो पाओ होर सेंटेंस दी फॉर्म ते नाल जिहड़ा अग है अग दा जिहड़ा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही बनता है बलती अग बल रही है जिदा स्त्रीलिंग बनेगा बेटा तो फिर सूरज दा बनाओ सूरज अग लग गई है अग लग गई है पर नहीं ये सिर्फ पुलिंग का स्त्रीलिंग है ही नहीं देखो बेटा अग वाला वर्ड ना स्त्रीलिंग ही चाहिएगा क्योंकि आप बेटा जेड़े भी तुम अग वाले सेंटेंस बनाते हो अग लग गई है और कड़ा बनाया बेटा अग बल रही है ठीक है अग लग गई है या अग बल रही है भाव की स्त्रीलिंग बन रहे हैं इस करके पुलिंग नहीं है ठीक है सूरज का बनाओ कोई भी सेंटेंस ऑनलाइन वाले बच्चे रिपीट कर रहे हैं मैम सूरज तेज चमक रहा है सूरज तेज चमक रहा है सूरज दूसरा कदम ऐसे ऑफलाइन वाले बच्चे रे सूरज चढ़ आया है आपा बेटा जेड़े भी सूरज दे केड़ी पहुंच बड़े है ठीक समय लागियो ने मेरा पुलिंग दा स्त्रीलिंग क्यों नहीं है और एदा ही जदों तुहानू पेपर दे विच एमसीक्यू दे विच आएगा एदा ही सेंटेंस बना के देखते हैं ठीक है और अपना नेक्स्ट का बनाओ थर्ड वर्ड का ठीक है घ्यो से घ्यो घट खाओ बना रहे हो नहीं पा रहे ठीक है बेटा ठीक है चन चढ़ आया है चंद के वर्ड बना रहे सेंटेंस बना रहे वो कि फॉर्म च पाते पुलिंग के फॉर्म के ठीक है चन चमक रहा है ठीक है चन निकल आया है ये सारे के बनते हैं पुलिंग के फॉर्म के बाकी बच्चे भी बनाओ बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जेडे वर्ड लिखे वे बनाओ बेटा नेक्स्ट वर्ड तेल गर्म है बाकी की पढ़ रहा है पुलिंग पढ़ रहा है स्त्रीलिंग नहीं पढ़ रहा ठीक है जेडे शब्द लिखे उन्होंने शब्दों बेटा तुम सेंटेंस की फॉर्म च बना के देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये पुलिंग है स्त्रीलिंग नहीं है या स्त्रीलिंग है पुलिंग नहीं है समझ लगे बेटा क्लियर हो वाले पुलिंग वाले शब्द ठीक है इसी तरह बेटा बाकी जेडे पे शब्द लिखे नेक्स्ट है मकान मकान वड्डा है मकान नवा है मकान पुराना है मकान सोना है ठीक है भाव की पुलिंग च बन रहे हैं इसी तरह अहंकार
हाँ हंकार ना करो, हंकार नहीं करना चाहिए, हंकार माड़ा हुंदा है। ठीक है, शीशा, शीशा सोना है, शीशा टूट गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्यार। ठीक है, प्यार नाल गल करो, छोटिया नाल छोटिया नाल प्यार ना रहो। हाँ की कह रही बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे पता बनाओ बेटा, मी दा, मी दा, चाहती, चाहती बेटा, मी वास रहा है, मी वास रहा है, मी वा रहा है, मी पै रहा है, मी बंद हो गया है। ठीक है, भाव की शब्द पुलिंग दे विच आ रहा, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, क्रोध नहीं करना चाहिए था। ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਚ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਲਿਖੋ ਅੱਗ, ਚਾਂਦੀ, ਨੇਕੀ, ਤਸਵੀਰ, चादर, कुर्सी, हिम्मत, ठीक है, इट, हवा, धरती, मिठास। ठीक है, काफी सारे वर्ड है, तो क्लियर हो गए ना केड़े केड़े वर्ड है। ये थोड़ी बुक दे विच भी दिते हुए है, पेज नंबर 106 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਪੁਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗ ਸਿਰਫ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣੀ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ, ਚਾਂਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਗਈ ਵਾਲੇ ਭਰ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕੀ, ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤਸਵੀਰ, ਤਸਵੀਰ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਣਾਓ ਨੇਕੀ ਦੇ, ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਹੀ, ਤਸਵੀਰ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਾਦਰ, ਹਾਂ ਚਾਦਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਚਾਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਰਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਵਰਡ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਵਾ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਿਚ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ।
इसलिए ना कोई पुलिंग नहीं है कि ये सारे ना शब्द आ रहे स्त्रीलिंग ही हैं। क्लियर है? हुन एमसीक्यू से भी चांद पता चल जाएगा बेटा, स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है या कोई भी नहीं है या दोनों हैं। क्लियर है बेटा सारा टॉपिक? बाकी बेटा आपेटिड आप क्वेश्चन कुछ कल डिस्कस करांगे क्लास के विच। हुन आप लेख डिस्कस कर ले रहे हैं, मिठ नीवी नानका गुण जंगाइया तत्, भाव की दा मीनिंग की है कि मिठा बोलना ते नीवा रहना, मिठा बोलना ते नीवा रहना है, नीव की रहना, ये सारिया चंगाइया नालों सब तो वड्डा गुण है। ठीक है, मिठा बोलना ते नीव की रहना, जिन्हिया भी दुनिया की चंगाइया सब चंगाइया नालों सब तो वड्डा गुण केड़ा है? मिठास ते निमरता। ते ए बेटा कितों लिया गया है? गुरु नानक देव जी की लिखी हुई तुक है, एक दी लिखी हुई तुक है गुरु नानक देव जी की। ते कितों लई गई है? आसा दी वार बाणी दे विचों, किदी लिखी हुई है? गुरु नानक देव जी दी, ते आसा दी वार दे विचों लई गई है। उन्होंने की कहा कि सानू मिठा बोलना चाहिए है ते निम के रहना चाहिए है। फिर आपा सेकंड हेडिंग केड़ा लिखवाया सी बोलो बेटा, बेटा सेकंड पॉइंट लिखाया सी मिठे ते कोड़े बोलना असर। जे असी किस तरह मिठा बोल दिया ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਕੋੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ, ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਛ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਥਰਡ, हाँ नानक फिक्का बोली, कोटेशन लिखाई सी नानक फिक्का बोलिए तन पर फिक्का होए, भाव की जे असी किसी नाल माड़ा बोलते हाँ फिक्का बोलते हाँ तो उस ते भी माड़ा असर पैंदा है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ सब तो नेक्स्ट पॉइंट, निमरता नीमा रहना सब तो वड्डा गुण है, मेन गुण। क्यों निमरता सब तो वड्डा गुण है? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਪਟਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ? ਨਿਮਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਅਹੰਕਾਰ, ਗੁੱਸਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ
जरा कि मिठास कि धारण कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह साडे मिठास आएगी, कि चीजा गलों पढ़ाईए। एक तो सू अपना क्रोध छड़ दो, गुस्सा करना छड़ दो, असं गुस्सा करना छड़ देंगे मिठास सारी शुरू हो जाएगी। दूसरे की मदद करा नैचुरली साढ़े मिठास सारी शुरू हो जाएगी। या बेटा असं किसी की मदद करा, ठीक है, लौड़वंद की मदद करा, या छोटिया नाल प्यार नाल गल करा, ठीक है। सुख दुखा, सुख दुख जिहड़ा की असं किसी के दुख के भी उहदा साथ देवांगे, ठीक है। नैचुरली साढ़े भी जिहड़ी की है मिठास सारी जिहड़ी की है शुरू हो जाएगी, ठीक है। बड़े वड्डे आकार दा हुंदा है सिंबल दा रुख है। हुण एमसीक्यूज भी आ सकदा है, देखो किद्दां आएगा। हुण मैं क्वेश्चन ते करा रहे सी ना, कवि गुरु नानक देव जी ने केड़े जिहड़े की रुख की उदाहरण दी है, हंकार दे हंकार के लिए कि रुख की उदाहरण दी है, सिंबल के रुख की। भाव की सिंबल का रुख बड़े वड्डे आकार का होंदा है, वड्डे आकार का होंदा है, पर उहदे वड्डे आकार का कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि उहदे फल जिहड़े की बड़े बक बके बड़े बेसवादे होंदे हन, ठीक है। तो ना तो कोई इंसान खाता है ना तो पशु पंछी खाते, इसलिए किसी के वड्डे होने का उच्ची पोज से लगे होंगे कोई फायदा नहीं, जो किसी ने असं मिठास सारने की, ठीक है। कल मैं तुम्हें एमसीक्यू के क्वेश्चन कराऊंगी कितना, ठीक है। क्लियर है बेटा सब नू? लिंक बोलो ते लेख, एनी डाउट? ओके बेटा, कल आप क्लियर कर लेंगे डाउट बेटा, जो भी डाउट है।